स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों। बिहार के गया के वार्ड संख्या 47 और 48 में गंदगी के अंबार। मानपुर का सूर्य पोखरा निगम की लापरवाही से गंदा बदबूदार जल में छठ महापर्व के अवसर पर दिया जाएगा भगवान भास्कर को अर्घ। ज्ञात हो कि नगर निगम के साथ वार्ड में एकमात्र ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस तालाब में ही छठ पर्व पर अर्घ दिया जाता है, लेकिन इस सूर्य पोखर का प्रदूषित पानी कैसे अर्घ देंगे इसके लिए यहाँ के नागरिकों ने चिंता जाहिर की है। जब वार्ड 47 पूर्व पार्षद से बात की तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नगर निगम के द्वारा पूरे मानपुर क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, समय पर सफाई कार्य नहीं होता है, अभी तक पानी में फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर भी नहीं डाला गया है। मैंने इसके लिए अधिकारियों से बात की, जल्द ही इसे साफ करवाने के लिए फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर डलवाने का कार्य किया जाएगा। गया संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। गाँव का देखिए जो परंपरा है जो पहले से होता आया है वो तालाब के लिए ब्लीचिंग पाउडर और तालाब के लिए फिटगिरी का इंतजाम निगम से प्रत्येक वर्ष होता है, लेकिन जो होना चाहिए था समय पर वो नहीं हो पाता है। अब आखिरी दिन होता है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक सप्ताह पहले तालाब में फिटगिरी और जो है ब्लीचिंग पड़ जाता तो तालाब का पानी आपको कंचन दिखाई पड़ता, साफ़ सुथरा दिखाई पड़ता। अच्छा, एक इस तालाब के आसपास एक और कमियाँ हैं जो सीढ़ी वगैरह तीन तरफ नहीं दिख रहा है, एक तरफ सीढ़ी बना हुआ और बाकी तीन तरफ नहीं है। देखिए ये एक तकनीकी फॉल्ट है, वो फॉल्ट है कि जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत इस तालाब की उड़ाही की गई है और जिस अधिकारी ने इसका प्राकलन बनाया उन्होंने गलती किया। प्राकलन में आपको कच्चा वर्क के साथ पक्का वर्क भी एक साथ बनना चाहिए था, अब चूँकि कच्चा वर्क हो गया है तो जल जीवन हरियाली में से ये योजना जो है अलग हो गया। और होना यह चाहिए था कि वो जो भी इंजीनियर इसको बनाए थे वो दोनों का प्राकलन एक साथ बनाते तो दोनों का मंजूरी मिल जाता और दोनों काम एक साथ हो जाता है। दूसरा था कि तालाब के पानी जो है उसमें मतलब अभी हुआ कि जितने भी जो नई तालाब मतलब जो भैया जो उड़ाई हुआ वहाँ पे एक छोटी सी आबादी जो है तालाब के किनारे बस गई है और उसके लिए नाला का व्यवस्था नहीं है, इसके वजह से उसका पानी जो है तालाब में गिर रहा है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने निगम बोर्ड में निर्णय लिया था इसका DPR बनाने के लिए और DPR में नाला बनाने का भी योजना था, लेकिन अभी तक DPR बनाने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि होता यह है कि ये मानपुर जो है नदी के इस तरफ है और जो शहर की बड़ी योजनाएं जो है वो इस तरफ लिया नहीं जाता है, ये मानपुर लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा है। जो भी बड़ी योजनाएँ हैं तालाब से संबंधित वो सब नदी के उस तरफ है और इस तरफ की योजनाओं पर जो है निगम प्रशासन ध्यान नहीं देती है। उड़ाही भी तो लगता है पूर्णता नहीं किया गया था। उड़ाही भी जो हुई है उसमें निगम का कोई योगदान नहीं है। ये जो विभागीय मंत्री थे उनसे हम मिले थे एक बार पटना उनके कार्यालय में, तो उन्होंने अपने तरफ से जो इस योजना को सिलेक्ट किए थे वो निगम का कोई योगदान की वजह से इसकी सब उड़ाही नहीं हुई है। सर क्या लगता है 5 दिन में ये सफाई हो सकता है? हाँ सफाई हो जाएगा, सफाई में कोई कमी अभी तक तो वो पानी बही रहा है आप देख सकते हैं जहाँ तहाँ, एक दो जगह नहीं लगातार 5-6 जगह से नाली का पानी गिर रहा है यहाँ पे। देखिए जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी यहाँ आते हैं, प्रत्येक वर्ष छठ में आते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं जो जिला के आला अधिकारी हैं वहाँ यहाँ आते हैं, वो अपनी आंखों से इन चीज़ों को देखते हैं, तो जब वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग को बहुत छोटा मोटा प्रतिनिधि हैं, हम लोगों को उतना ताकत नहीं है। जिला अधिकारी भी इस पर कभी संज्ञान नहीं लिए नहीं। समय 6 दिन में छठ का भी है और निगम प्रशासन के द्वारा इसका सफाई व्यवस्था होती है और इसमें जल्द ही काम लगेगा सफाई के लिए। इधर इर्द गिर्द जो है थोड़ा बहुत सफाई होते हैं, तालाब में फिटकरी ब्लीचिंग ये सब निगम प्रशासन के द्वारा किया जाता है, हम सभी का सहयोग रहता है और ये जल्द ही सफाई किया जाएगा। 25 लाख रुपए के यहाँ पे क्या सौंदर्यीकरण किया गया है, क्या काम हुआ है? जल जीवन हरियाली के अंतर्गत उड़ाही का सिर्फ काम किया गया है, उसके अलावा नहीं। और इस्टिमेट ही कुछ टेक्निकल इशू के वजह से सिर्फ कच्चे उड़ाही का हुआ। क्या लगता है आपको 5 दिन में कितना सफाई करवा पाएंगे आप? निगम प्रशासन का सहयोग रहा, नगर निगम का रहा, प्रशासन का सहयोग, हम सभी का पार्षद का सहयोग रहा, तो ये जल्द ही छठ के पहले ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहेगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शंकर प्रसाद हुआ, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड संख्या 48।